कटनी भारत के मध्य प्रदेश राज्य के मध्य पूर्व भाग की तरफ स्थित एक शहर है जो जबलपुर मंडल के अंतर्गत आता है। यह तीन अलग अलग सांस्कृतिक राज्यों जैसे महाकौशल, बुंदेलखंड और बघेलखंड की संस्कृति का समूह है, जिसका उत्तर पूर्वी भूभाग सतपुड़ा कैमूर पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है। यह शहर प्राचीन काल में मुरवारा के नाम से भी जाना जाता था। फ्रैंड इस शहर को चुना नगरी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ चुना पत्थर का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है। यह शहर संभागीय मुख्यालय जबलपुर से 90 किमी की दूरी पर स्थित है और इसी शहर से कर्क रेखा होकर भी गुजरती है। फ्रैंड कटनी शहर का रेलवे जंक्शन क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जंक्शन भी है। इस रेलवे जंक्शन में 6 प्लेटफार्म है। यह जंक्शन भारत के सबसे व्यस्त रेलवे जंक्शनों में से एक है और यह शहर समुद्र तल से 392 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह शहर भोपाल से 356 किलोमीटर दूर है और देश की राजधानी दिल्ली से 807 किलोमीटर दक्षिण पूर्व की तरफ राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर है। दोस्तों, इस शहर की मुख्य नदियाँ कटनी नदी, छोटी महानदी और उंदर है, जो कि इस शहर के पानी का मुख्य स्रोत है। वैसे यह जिला उद्योग की नजर से मध्य प्रदेश का महत्वपूर्ण जिला है। यहाँ अनेक छोटे बड़े उद्योग संचालित होते हैं, जिसमें दाल मिल, चावल मिल, टायर रिमोल्डिंग, फर्टिलाइजर वर्क और सीमेंट फैक्ट्री बहुतायत पैमाने पर कार्यरत है, जो इस शहर को रोजगार उपलब्ध कराता है। यह शहर मार्बल्स के निर्माण में एक प्रमुख अग्रणी जिला भी है। यहाँ कई संगमरमर खनन स्थल भी हैं। दोस्तों, अगर बात करें इसके पड़ोसी जिलों की तो कटनी के उत्तर पूर्व में सतना जिला है, पूर्व में उमरिया जिला है, दक्षिण में जबलपुर जिला है, पश्चिम में दमोह जिला है और उत्तर पश्चिम में पन्ना जिला है। दोस्तों, अगर बात करें शहर के क्षेत्रफल की तो कटनी जिले का क्षेत्रफल 49.49 वर्ग किलोमीटर है और 2011 की जनगणना के अनुसार कटनी की जनसंख्या 12 लाख के लगभग है और इसकी साक्षरता 73.62% है। महिला पुरुष अनुपात यहां पर 984 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर है। जिले की जनसंख्या विकास दर 2001 से 2011 के बीच 21.38% रहा है। फ्रैंड जबलपुर मंडल का विभाजन कर 28 मई 1998 को कटनी जिले का गठन किया गया था। दोस्तों, अब बात करते हैं कटनी जिले के खूबसूरत दर्शनीय व पर्यटन स्थलों के बारे में जो लोगों को अपने ओर आकर्षित करते हैं, जैसे विजयराघवगढ़ किला। यह किला कटनी शहर की विजयराघवगढ़ तहसील में स्थित है। इस किला का निर्माण 1826 में राजा बिशन सिंह के द्वारा किया गया था। यह किला एक प्राचीन किला है। इस किले का आकार आयताकार है। यह महल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। यहाँ पर आप ब्रह्मा चबूतरा, रंग महल, समाधि स्थल देखने को मिलता है। जागृति पार्क। जागृति पार्क में आप आकर बहुत अच्छा समय बिता सकते हैं। यह पार्क बहुत सुंदर है। यह पार्क कटनी शहर का एक दर्शनीय स्थल है। जागृति पार्क में प्रवेश का शुल्क लिया जाता है। यह पार्क कटनी में माधव नगर में स्थित है। इस पार्क में आप सुबह 5 बजे से 8 बजे तक आ सकते हैं और दोपहर में 12 बजे से 4 बजे तक जा सकते हैं। राधा कृष्ण मंदिर या कटाई घाट मंदिर। राधा कृष्ण मंदिर कटनी शहर में कटाई घाट के पास स्थित है। इस मंदिर का चारों तरफ का वातावरण बहुत ही मनोरम है। मंदिर के बाजू से एक नदी बहती है जिसे कटनी नदी कहते हैं। साथ ही आपको यहां पर पंचमुखी हनुमान जी, राधा कृष्ण हनुमान जी और दत्तात्रेय जी मूर्ति देखने को मिलती है। रूपनाथ मंदिर। रूपनाथ धाम कटनी शहर की एक दर्शनीय जगह है। यहां पर आपको शिव भगवान जी का मंदिर देखने के लिए मिलता है। यहां पर राम कुंड, सीता कुंड और लक्ष्मण कुंड नाम के 3 तालाब है। यहां पर प्राचीन गुफा है जिसमें चमगादड़ रहते हैं। यहां पर पहाड़ियों का दृश्य मनोरम है। रूपनाथ धाम बहोरीबंद तहसील से करीब 3 किलोमीटर दूर है। दोस्तों, इनके अलावा भी कटनी डिस्ट्रिक्ट में कई सारे खूबसूरत व दर्शनीय स्थल मौजूद हैं। पर आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।